दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्नोबाज को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप देख पाओ वीडियोस सबसे पहले। तो अब तक आपने Google Pixel 2 खरीदा नहीं, कोई बात नहीं, Google Pixel 2 का मजा आप अपने एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड फोन में भी ले सकते हैं। कमिंग अप नेक्स्ट। एप्लीकेशन भी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है बट इसे अपलोड किया गया प्ले स्टोर पे अपने बीटा टेस्टर्स के लिए और ये जान के आपको हैरत होगी भाई लोग कि ये एप्लीकेशन अपलोड होते के साथ ही बहुत ही ज्यादा डाउनलोड हुई है प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन अभी ट्रेंडिंग में है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है लॉन्चर। क्या बोल रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है लॉन्चर। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके ज्यादा आसानी के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज अयान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन चैनल टेक्नोबाज। तो ये है लॉन्चर जो कि अभी अनरिलीज्ड एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और इसकी जो टैगलाइन है वो है नो क्लेवर टैगलाइन नीडेड। तो चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन जब ओपन होगी तो इसका जो इंटरफेस है आपको डिफॉल्ट में उतना बेहतर नहीं मिलेगा, इसे आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके होम स्क्रीन पे आइए और पिंच करिए होम स्क्रीन को और उसके बाद नीचे जो सेटिंग का आइकन है उसे क्लिक करिए। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो लॉन्चर के सेटिंग्स में आ जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन है थीम का। थीम को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर है आइकन पैक, आप आइकन चेंज कर सकते हैं। तो आइकन प्ले स्टोर पर भरे पड़े हैं बट मैं यहाँ पे पिक्सल आइकन्स को यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर आप ब्लर कर सकते हैं आइकन्स को और इनेबल कर सकते हैं वेदर को और भी बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ऑप्शन है डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन। तो डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन में आप यहाँ पर देखिए वाइड सर्च बार है गूगल का, वो कर देते हैं और गूगल असिस्टेंट बटन को मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे। तो जो गूगल का सर्च बार है वो मुझे वाइड मीन्स लंबा दिख रहा है और जो असिस्टेंट है गूगल असिस्टेंट वो बगल में उसका ऑप्शन है जिस पर सिंपली क्लिक करके यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, वो ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा। और अब चलिए अब हम बैक आते हैं और इसके अंदर आप बहुत सारे रोज चेंज कर सकते हैं, आइकन का स्केल बढ़ा सकते हैं, कितने रोज में कॉलम में आइकन रहने चाहिए वो आप इसमें डाल सकते हैं, विजेट आप इसमें चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारा कुछ इसमें आप चेंज कर सकते हैं। डॉक अगला मेनू ऑप्शन है हमारा डॉक का। डॉक जो है जो कि टास्क बार रहता है मोबाइल में नीचे में उसका है। अब जैसे यहाँ पे आप टू रो डॉक ऑन कर सकते हैं। टू रो डॉक क्या है कि आपका जो डॉक है जो टास्क बार है वो दो हो जाएगा। अब इसमें दो आइकन को आप सेट कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है। और आइकन का जो डॉक का ट्रांसपेरेंसी है आप उसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जिससे जो है ट्रांसपेरेंसी यहाँ मैंने ज़ीरो कर दिया है कि ये डॉक और मीनू समझ में उतना नहीं है। आप यहाँ देखिए आइकन स्केल को बढ़ा सकते हैं और ट्रांसपेरेंट डॉक का ऑप्शन ऊपर है, आप उसे ऑफ कर देंगे तो डॉक ट्रांसपेरेंसी हट जाएगी। फिर नेक्स्ट है ऐप ड्रॉर। ऐप ड्रॉर के अंदर आप जितने चाहे एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। आपको अगर ऐप को वर्टिकली लिस्ट में देखनी है जैसे अप टू डाउन तो आप यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं और अगर हॉरिजॉन्टली जैसे कि अभी मीनू रहता है वैसे आप देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप इसमें, जैसे कि अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो सर्च ऐप का जो ऊपर में है बार उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं राउंड में जैसे कि अभी मैंने किया है और यहाँ ड्रॉर की ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। यहाँ पर देखिए ड्रॉर की जो ओपेसिटी है पूरी वाइट थी और मैंने इसे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर दिया। आप चाहें तो इसे और थोड़ा कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ऐप ड्रॉर की सेटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और बिहेवियर में आप यहाँ पर शॉर्टकट वगैरह इंटर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर लाइट एडजस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर पुल डाउन मीनू है, जैसे यहाँ पर आप शो नोटिफिकेशन होता है, हमेशा हम पुल डाउन करते हैं तो शो नोटिफिकेशन होता है। आप चाहें तो कोई ऐप सर्च मीन्स ऐप का यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर ओपन सर्च कर सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं होगा वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है शो हिडन ऐप्स का, यहां पर से ऐप को हाइड कर सकते हैं और आप जो भी ऐप हाइड किया है सिर्फ यहीं से दिखाई देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक डेस्कटॉप का। अगर कोई ऐप को हाइड करना है तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें, एडिट पे जाएं और विजिबिलिटी ऑफ कर दें, ये एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी और ये कोई नहीं देख सकता है। जब आपको सेटिंग्स में जाकर वहां पर शो लॉक ऐप पे क्लिक करना होगा तभी यह एप्लीकेशन दिखेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हिट लाइक फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत जल्द गिव अवे शुरू होने वाला है।